कर्मचारी हूँ और मुझे बड़ाई कहो या सच्चाई कहो, मेरी ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए आज मेरी तनख्वाह है और मैं भी बीआरएस लायक भी नहीं हूँ, सुन लीजिए आप सभी लोग, ये मत बता, दिखाना मत, काट दो, दिखाना मत, ये तो कल से स्पेंड करूंगा। लेकिन एक बात कहना चाह रहा हूँ, मेरी 20 साल की 15 साल की नौकरी, मैं चाहूँ तो करोड़ों रुपया सरकार में रह के अपने घर बार बना के गाड़ी बंगले बना सकता हूँ। अगर किसी को डाउट हो तो गुड़गांव में उद्योग विभाग में पोस्टेड हूँ, पता कर लो। मैं एक चीज ऐलान करता हूँ कि आज मैं देश के लिए इतना ज्यादा बाबा साहब के लिए पागला हूँ, पगला गया हूँ, अगर मेरी नौकरी भी छूट जाएगी तो मैं मिशन को एक्सप्रेस दूंगा, मैं ही आपके सामने ऐलान करता हूँ। इतनी अच्छी प्यारी गर्चिट क्लास में 4 घंटे का एक डॉक्टर का पेशा आप सब लोग जानते हैं, लेकिन मुझे परवाह नहीं है, मैं भूखे मरेंगे। मेरी बीबी ने बोला कि आप चिंता ना करो, आपको जो करना करो, कम से कम रोटी तो खिलाई दोगे ना, डॉक्टर भी हो वकील भी हो, और फिर समाज में जा रहे हो तो लोग भूखा तो नहीं मरने देंगे हमें, आपको जो करना करो। ऐसी महान शख्सियत हमारे साथ में काम कर रही है, तो साथियों हम तो बिल्कुल कफन बांध के निकले हैं समाज में, और देखेंगे हम अब और ज्यादा काम करेंगे, अब रुकेंगे नहीं हम, क्योंकि हमें लगी है, हमें पता है कि बहुत गड़बड़ हो रही है, बहुत बड़ा समय आ रहा है, बहुत ज्यादा प्रलय हो सकती है। इसलिए अगर हम आपके सामने कभी हाथ फैला के 2-4 रुपए 10-20 रुपए मांगे तो भाई हमारे हाथ पे रख देना, जब हमारी नौकरी छूट जाए तब रख देना, तब से पहले तो नहीं मांगेंगे हम लोग आपसे। बाकी जो 7 चंदा देना चाहे 7 देना चाहे, हम उनका धन्यवाद करते हैं। इसके बाद में हम मोरवाल जी को सुनेंगे, मैडम को 5 मिनट सुनेंगे, फिर अध्यक्ष महोदय को हम उनका आज का भाषण और जो भी वो कहना चाहेंगी। और मैं ये बता देता हूँ कि मैं सामाजिक काम करूँगा, सामाजिक रहूँगा, और सामाजिक काम में जहाँ पर भी मेरे साथ जो भी पूरे देश में जितने भी साथी आए हैं, भाई गोविंद हैं हमारे, पुष्कर साहब हैं, पूनम अम्बेडकर हैं, हमारी जो ना मधु भारती है, हमारे खरेलिया जी हैं, ठगेला जी, जितने भी आर एम लड़वाल जी जींद से आए हैं, एच एस शिरोमणि जी बहुत बड़ा धर्म चलाते हैं, राजापुरी में हमारे बहुत बड़े साथी हैं, भाई केशव है, हमारे कितने साथी यहाँ पर बैठे हैं जो बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, जींद से, हिसार से, फतेहाबाद से, हरियाणा और राजस्थान से लोग आए हैं, सबको हम समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप बहुत महान हैं, हमारे समय की थोड़ी विडंबना है, कमी समझें, हमें माफ करें। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो असली उद्देश्य है, एक तो ये है कि आज जो हमारे एनडीए की लीडर है आगे कैसे चलना चाहती हैं, वो अपनी बात को रखेंगी, वो राजनीति करेंगी, राजनीति के बाद में इन लोगों के साथ में जो पहले से ही चले हुए हैं कैसे हाथ मिला के अलायंस करेंगी, कैसे करेंगी, वो उनका अपना विषय है, लेकिन हम इनके भी हैं और हम अपने भाइयों के भी, क्योंकि हम सामाजिक काम करेंगे, हम बाबा साहब के लिए काम करेंगे, हमारा उद्देश्य मिशन चलाना है, मिशन नहीं मरना चाहिए, सही कह रहे हैं, कह रहा हूं, मिशन जिस दिन मर गया ना पार्टी बचेगी, ना समाज बचेगा, ना देश बचेगा, हम मिशन चलाएंगे, हम मिशन चलाएंगे।